Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for no. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और खुश होंगे. आज की हमारी रेसिपी मूंग दाल खस्ता कचौड़ी चाट है. चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें 500 ग्राम मटर लिया है. मटर को रात भर हमने पानी में भिंगा दिया था. इसको 4 से 5 पानी में हमने इसको अच्छे से धुल लिया है. धुलने के बाद मटर मेरी कुछ इस तरह से है. 500 ग्राम हमारी मटर है. 3 छोटे आलू हमने लिया है इसमें डालने के लिए मीडियम साइज का. एक कुकर लेंगे. कुकर में हम इसको 3 से 4 सीटी आने तक हमें इसे अच्छे से मटर को गला लेना है. इसमें हमें आलू डाल देना है. 1 चम्मच कुकिंग वाला जो नमक जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, तकरीबन 3 गिलास में पानी हम डालेंगे. 3 गिलास पानी में देखिए मेरे मटर अच्छे से मटर के ऊपर से पानी हमारा आ गया है. 5 सीटी आने तक हमें इसको गलाना है. आप 3 से 4 सीटी में आप खोल कर देख लीजिए. अगर आपका मटर अच्छे से गल जाता है तो आप इसे बंद उतार लीजिए. अगर नहीं गलता है 1 से 2 सीटी और दे लीजिए. आइए इसको हम गैस पे चढ़ा देते हैं. कचौड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले डो तैयार करना है. 2 कटोरा मैदा लिया है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लें. 1/2 चम्मच हमने अजवाइन लिया है और 1/2 चम्मच हमने कलौंजी काला वाला लिया है. और 2 बड़े चम्मच हम देसी घी डालेंगे. अगर आपको देसी घी नहीं डालना है तो आप बटर भी डाल सकते हैं. अगर बटर नहीं डालना है तो आप रिफाइंड तेल डाल दें. और 1 चम्मच हमने नमक लिया है. इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है. हमने 1 कप पानी लिया है. पानी आप आटा गूंदते जाएंगे और उस हिसाब से डालेंगे, क्योंकि इस कचौड़ी के डो को हमें ज्यादा स्मूथ नहीं करना है, हार्ड रखना है. पूड़ी के लिए जैसे हम आटा गूंद लगाते हैं उसी तरह से इसको भी गूंदना है. ऐसे तैयार हो गया है. अब ये इसको रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट हम छोड़ देंगे. कचौड़ी के अंदर फिलिंग भरने के लिए हमने 1 कप मूंग की दाल हमने लिया है. मूंग की दाल को हमने 1 घंटा भिंगा दिए थे. भिंगाने के बाद 3 से 4 पानी में धुलने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में हमने इसको दरदरा पीस लिया है. दरदरा कुछ मेरा इस तरह से पीस के तैयार हो गया है. अब आइए इसकी फिलिंग हम तैयार करते हैं मूंग की दाल की कचौड़ियों में भरने के लिए. सबसे पहले हमें एक पैन को गैस पे चढ़ा के गरम कर लेना है. उसमें 2 चम्मच हमें तेल डालना है. 1 चम्मच हमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देना है. ये आधा हमने प्याज लिया है. और इसी के साथ हमें 1/4 स्पून हींग डालना है. एक चम्मच हरा मिर्चा महीन कटा हुआ. ये लहसुन अदरक का पेस्ट हम डाल देंगे. लहसुन अदरक का कच्चापन जब चला जाएगा तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे. गैस का फ्लेम बहुत हाई नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे. अब इसमें हमें 1/2 चम्मच धनिया डाल देना है. 1/2 चम्मच नमक डालेंगे. पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 चम्मच, भुना हुआ जीरा 1/2 चम्मच, ये कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चम्मच हमने लिया है. आधा चम्मच हमने गरम मसाला लिया है.
आधा चम्मच काला नमक लेंगे। अब इसमें ये पिसा हुआ मूंग दाल डाल देंगे। दाल काफी महीन ना पीसी, दरदरा पीसिएगा तो ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है कचौड़ियों में। इसको बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से दाल ये हमारे चिपकने लगेंगे और फिर ये जलने भी लगेंगे, इसलिए इसको बराबर चलाना है। एक से दो मिनट में ये दाल हमारी ड्राई हो जाएगी और पक भी जाएगी। इसी स्टेज पे हमें बेसन डालना है एक चम्मच। आप नमक और मिर्चा से स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको चक्कर देख लें, अगर आप चाहें तो नमक अगर कम लगे, हमने आधा चम्मच डाला है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा इसको कर सकते हैं। लेकिन कचौड़ियों की फीलिंग है अंदर भरने के लिए तो चटपटा थोड़ा सा मिर्चे वाला मसाले वाला होता है, तभी खाने में मजा आता है। ये देखिए हमारी दाल ड्राई हो रही है। इसको धीमी आंच पे अच्छे से भूनेंगे तो इसमें सोंधापन आएगा, तो जो कि कचौड़ियों को बहुत ही अच्छा बनाएगा। इसी भी खटाई एक चम्मच और आधा चम्मच हमने डाला है इसमें। ये देखिए भूनते हुए हमको एक से दो मिनट हो गया है और ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। मटर ये हमारी गल गई है जिस तरह से हमें चाहिए, उस तरह से ये मटर गल गई है। इस मटर में डालने के लिए हमें एक नींबू का रस हमने लिया है, इसको अच्छे से निचोड़ लिए हैं, इसमें डाल देंगे। एक टमाटर छोटा कटा हुआ महीन, और ये प्याज हमने लिया है, एक छोटे साइज का प्याज हमने महीन महीन काट लिया है। हरा मिर्चा हमने 3 से 4 लिया है। आप हरा मिर्चा नहीं डालना है अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं, नहीं डालना है तो आप ना डालें, ऊपर से डालें, जिसको जरूरत हो वो ऊपर से डाल लेगा। हरी धनिया हम डाल देंगे इसमें, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है एक चम्मच हमने लिया है। आप देख लें तीखा आपको कम चाहिए तो आप कम डाल दें। पिसी हुई खटाई हमने एक चम्मच लिया है, काला नमक लिया है। इन सभी चीजों को हमें मटर में ही अच्छे से मिला लेना है। कुछ इस तरह से हमारी ये मटर तैयार हो गई है। आइए हम कचौड़ियों के लिए एक पैन चढ़ा दें, पैन में तेल डाल के गरम कर लें। इसमें हमें तेल डाल देना है, हमने रिफाइंड तेल लिया है, आप चाहें जो पसंद है आपको वो तेल डाल लें। इसमें लगभग हमने 1 ग्लास के करीब इसमें तेल डाला है। तेल जब तक हमारा गरम हो रहा है पैन में, हम कचौड़ियों के लिए लोइयां तैयार कर लेंगे। हमने ये फीलिंग का जो मूंग की दाल का बनाया था उसकी छोटी छोटी गोली बना लेंगे, ताकि ये गोलियां बना लेंगे इस तरह से, इसको मैदे के गोले में भरने में आसानी रहेगी। कचौड़ी बहुत ज्यादा पतली और बहुत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से एक एक करके हमें सारी लोइयां बना लेनी है। बनाने के बाद हमें ये जो हमने ये तैयार किया था मूंग की दाल का फिलिंग, इसको इसमें डालकर खूब अच्छे से इसको दबा देंगे, वरना ये तेल में खुल जाएगा हमारा, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से ये हमारा कचौड़ी इस तरह से हो जाएगी। हमने इसको बेल कर रख लिया है 4 से 5। तेल हमारा हल्का गरम हो गया है, तेल हमें ज्यादा गरम नहीं करना है, नहीं तो ये कचौड़ियाँ ऊपर से लाल हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए हमें हल्के गरम तेल में इसको तलना है। आइए इसको तल लेते हैं। ये देखिए ये मेरा डार्क कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। ये सारी कचौड़ियाँ हमारी खुल गई हैं।
ये अब हमारी गोल्डन कलर में आ गई है। अब इसे हमें निकाल लेना है। कुछ इस तरह से हमारे ये कचौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। तो हमने ये कचौड़ी तल के रखी है, उसकी चाट बना लेते हैं। ये बहुत ही खस्ता हमारी ये कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। आइए इन कचौड़ियों को खाने के लिए तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही खस्ता, बहुत ही अच्छी बनकर ये तैयार हुई है हमारी। इसमें हमें काला नमक डालना है, भुना जीरा डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च, हमारी मूंग दाल खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। आप इस चाट को ज़रूर ट्राई करें और हमारे हंग्री स्पून चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हमें प्यार देते रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।